लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। डीजल और पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे ने कार्यकर्ताओं के साथ नई मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के नई मुंबई जिलाध्यक्ष सुबिन थॉमस द्वारा निकाले गए इस मोर्चे को बल देते हुए सत्यजीत तांबे ने यहाँ हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन आज उनकी नीयत और नीतियों के कारण ईंधन की दर और महंगाई दोनों लगातार बढ़ रही है, जो लॉकडाउन की मुसीबत में जनता की मुश्किलें और भी बढ़ा रही हैं। उन्होंने ईंधन कीमतों को रोल बैक करने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। सरकार का नरेंद्र मोदी। यूथ कांग्रेस ने आज प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे के नेतृत्व में वासी में आंदोलन किया और ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के नई मुंबई जिलाध्यक्ष सुबिन थॉमस समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे ने हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की और नागरिकों को बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार की नीयत और नीतियों के कारण ही देश में डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने पेट्रोल पंपों पर ईंधन के लिए आने वाले वाहन चालकों से प्रतिक्रिया भी ली और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रारंभ किए गए हस्ताक्षर अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नहीं, या आंदोलनाची गरज म्हणजे सामान्य माणूस या भारतामधला आता त्याचं जीण हराम झालेलं आहे। खाद्यपदार्थ महाग होत चाललेले आहे, पेट्रोल डिझेल गॅसची दरवाढ होत आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होत असतानाही भारतामध्ये मात्र रोज वाढत आहेत। 107 रुपयाला पेट्रोल झालेलं आहे, 100 रुपयाच्या वर डिझेल झालेलं आहे। त्याचा परिणाम हा फक्त त्या पेट्रोल पंपापुरता मर्यादित न राहता प्रत्येक सामान्य माणसाच्या घरच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झालेला आहे। त्याचा परिणाम घराघरातली आज वस्तू ज्या घ्यावा लागतात त्या महाग झालेल्या आहे, महागाई वाढत चाललेली आहे। आणि हे सगळं कंट्रोल करण्यामध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सबशेल फेल ठरलेले आहे आणि त्याच्या विरुद्ध आज महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या वतीने आमच्या नेत्या अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनियाजी गांधी, राहुलजी गांधी यांनी एक आदेश दिला की संपूर्ण देशामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सामान्य माणसाबरोबर उभं राहिलं पाहिजे आणि त्यांच्या आदेशाला दाद देत युवक काँग्रेसने आज महाराष्ट्रामध्ये एकच लक्ष मोदी सरकार विरुद्ध 1 कोटी साक्ष असं 1 कोटी सह्यांची मोहीम आम्ही सुरू केलेली आहे। गौरतलब आहे की बीते महिनेभर से 3 से 4 बार पेट्रोल डिझेल की किमतें बढ़ चुकी हैं। हालत यह है कि नई मुंबई और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये तक पहुँच गई है, जो लॉकडाउन के आर्थिक संकट में और भी मुश्किल बढ़ाने वाली साबित हो रही है। कुठे ना कुठे तरी हे थांबवलं पाहिजे आपण, आणि ह्याला आहे ना एकजुट होऊन आपण स्वतःहूनच पुढे येऊन कामं केली पाहिजेत। कारण ह्या मोदी सरकारच्या ह्याच्यामध्ये जे लोकांचे जेवढं नुकसान झालेलं आहे ह्याला भरपाई काय मोदी सरकार स्वतः देणार नाही, आणि तो देणार पण नाही, फक्त आश्वासन आहेत त्यांची। जी प्रतिक्रिया जो करतो ना, हम तुम्हारे साथ है, आप आगे चलो, काही नाही। सगळे ना लोक एवढे वैतागले नाही बीजेपी सरकारला, खूप वैतागले। पहिलं पेट्रोल काय रेट होतं, 107 रुपये झाले, कशा काढा झालं, काय परवडणार मला सांगा। 2 दिवसाला पेट्रोल लागतं, जे मला 4 दिवसाला 5 दिवसाला माझं रनिंग होतं, आता 2 दिवसाला लागतंय मला। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।